स्वागत है आपका कार्यक्रम सेक्स एजुकेशन एंड योर क्वेरीज में। दोस्तों, लोगों ने सेक्स को लेकर अलग अलग धारणाएं बना रखी हैं। मसलन, सेक्स यानी टैबू, सेक्स मतलब झिझक, सेक्स यानी दिन ब दिन रोगों का बढ़ना और सेक्स मानसिक रोगों की शुरुआत। लेकिन मेरा मानना है कि इन सब धारणाओं के पीछे एक ही वजह है, वो है सेक्स एजुकेशन की कमी। और इस कमी को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरा करते हैं अपने एक्सपर्ट डॉक्टर एस के जैन साहब के साथ, जो कि एक मशहूर साइको सेक्सोलॉजिस्ट है। सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य की चाहतें, उमंगें और जरूरतें उसके साथ चली हैं। इन स्वाभाविक जरूरतों में सबसे प्रमुख है सेक्स, यानी एक आनंदपूर्ण सामाजिक जीवन। इसलिए जरूरी है कि हमें सेक्स के प्रति सही जानकारी मिले और गलत उपायों से हम अपना जीवन नष्ट ना करें। कुछ इसी तरह का कार्य कर रहे हैं इस विधा के पुरोधा, भारत के शीर्ष साइको सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर एस के जैन। आपने सन 1974 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आयुर्वेदा विद मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी की उपाधि प्राप्त की। इसी के साथ आपने अपने टैलेंट और लगन के बलबूते पर लंदन से MRSH जैसी प्रतिष्ठित संस्था की सदस्यता प्राप्त की। डॉक्टर एस के जैन ने प्राचीन आयुर्वेद पद्धति के साथ आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का मिश्रण करते हुए बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। इस क्लिनिक के द्वारा एक ही छत के नीचे प्राचीन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा आम लोगों को उनकी सेक्स समस्याओं से मुक्ति देते हैं। और इस कार्य में डॉक्टर जैन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है उनकी मेहनती व सेवाभावी रिसर्च टीम। डॉक्टर जैन को इन्हीं प्रयासों के कारण अनेक बार कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर एस के जैन एक ईमानदार, सफल तथा विश्वसनीय व्यक्तित्व हैं। आप मानव समाज के लिए एक वरदान हैं। डॉक्टर जैन के लंबे अनुभव का लाभ लाखों लोगों ने लिया है और अब बारी है आपकी। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम सेक्स एजुकेशन एंड योर करियर में। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि लोगों के मन में अजीब अजीब धारणाएं हैं सेक्स को लेकर, और इन सब की वजह एजुकेशन का ना होना है, आपका क्या कहना है? देखिए, इन्हीं भ्रांतियों के कारण जो मिसकंसेप्शंस हैं उससे मैं समझता हूँ कि आज एक काफ़ी बड़ा वर्ग है, काफ़ी बड़ा सेगमेंट है, परेशान रहता है। यदि उसको कोई भी चिकित्सक सही जानकारी दे, सही मार्गदर्शन दे, सही रास्ता बताए, सही लाइफस्टाइल बताए, तो मैं समझता हूँ कि ये सारी जो दिक्कतें हैं, आप उसे मिसकंसेप्शन कह सकते हो, भ्रांतियाँ कह सकते हो, या इसको एक टैबू मानना है, ये ख़त्म हो सकता है। और सदियों से इस चीज़ की परंपरा रही है कि बुजुर्ग लोग अपने घर में बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं, लेकिन आजकल तो मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स के पास इतना समय ही नहीं है कि उनको गाइड करें। तो मैं इस प्रयास को करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे अगर बाई दिवे किसी भी व्यक्ति को अगर प्रॉपर एजुकेशन सेक्स के बारे में नहीं मिल पा रही है, तो उसमें अगर कुछ भी काम आ सका तो मैं समझूंगा कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा। बिल्कुल, और डॉक्टर साहब उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये पॉसिबल नहीं है। और आपका सहयोग है, आपके सवाल जो आप हमें किसी भी तरह से भेज सकते हैं, फ़ोन कॉल के जरिए, ईमेल के जरिए, या हमें लेटर लिख के, आप फ़ोन उठाइए, कोई भी समस्या है, कोई भी भ्रांति है, आप हम तक पहुंचाइए, हम उसको डॉक्टर एस के जैन साहब के साथ शेयर करेंगे। और डॉक्टर साहब, सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। ये लेटर आया है पुणे से, इसमें लिखा है कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मेरे दो बच्चे हैं और पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं उनको खुश नहीं कर पाती। मेरी इच्छा काम वासना की धीरे धीरे कम हो रही है, मैं क्या करूँ? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये केस जो है वो फ्रिजिडिटी से संबंधित है, जिसको हिंदी में काम शीतलता कहा जाता है। और मैं इनको यही सलाह दूंगा कि इसके लिए मतलब ये किसी प्रॉपर गायनकोलॉजिस्ट से मिलें और उनसे उनका अपनी धर्मपत्नी का हार्मोनल चेकअप करवाएं। और यदि बाई दिबे
मैं समझता हूं कि उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी फाइंडिंग मिलेगी कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, और ये तो उसको सॉर्ट आउट कर लेगी गायनेकोलॉजिस्ट, तो ये प्रॉब्लम। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इन्होंने अपनी तरफ से एक वजह बनाने बताने की कोशिश की है। ये कहते हैं क्या बच्चों के होने के कारण तो ये समस्या नहीं है? नहीं, बच्चों के होने के कारण थोड़े बहुत समय के लिए होती है, परमानेंट नहीं होती है। मसलन हफ्ते दो हफ्ते, महीने दो महीने, लेकिन ज़्यादा नहीं होती है। और यदि बाई दी वे काफ़ी समय से चली आ रही है, तो बट नेचुरल है कि प्रॉपर गाइडेंस की, प्रॉपर काउंसलिंग की, प्रॉपर ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। डॉक्टर, आपने बताया कि फ्रिजिडिटी के कारण ये ऐसा हो सकता है जी, तो क्या इसका कोई उपचार है या ये केवल काउंसलिंग के जरिए से भी? देखिए, अगर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो जाएगी तो वो तो सबसे पहला उपचार है। अगर बाई दी वे कहीं कोई हार्मोनल इम्बेलेंस है तो उसमें हार्मोन थेरेपी दी जाती है। यदि और कोई अन्य मानसिक कारण है तो उसका निवारण किया जाता है। बहरहाल ये ठीक हो सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें ये ईमेल करने के लिए। अगला ईमेल लेते हैं डॉक्टर साहब, ये आया है हैदराबाद से, जिसमें लिखा है कि सर मैं 35 साल का हूँ, मेरे माता पिता मेरी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन मेरे लिंग में तनाव नहीं होता और ना ही कोई इच्छा होती है, क्या ये नपुंसकता के लक्षण तो नहीं? यदि हैं तो क्या इसका इलाज संभव है? परामर्श दें जी। एज क्या है? एज डॉक्टर 35 साल में बताइए। अगर 35 साल है और माता पिता शादी इनकी करना चाहते हैं, तो मैं इनको ये सलाह दूंगा कि तनाव ना आने का कारण आपने नहीं लिखा कि व्हाट इज द रीजन बाई विच यू आर नॉट गेटिंग फुल इरेक्शन। तो यह है कि अगर बाई दिवे उसमें आपने मैंने देखा है कि बच्चे जरूर से ज़्यादा मास्टरबेशन कर लेते हैं, अत्यधिक हस्तमैथुन करते हैं, या बचपन में कुछ गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं, तो यदि बाई दिवे कुछ ऐसा है तो अपने शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, और इसके अलावा आप एक्सरसाइज कीजिए। और इसको मैं ये समझता हूँ कि एक कम से कम हफ्ते महीने 15 दिन वॉच कीजिए। यदि बाई दिवे 90% ही अपने आप सही हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि सही नहीं होता है तो मैं इनको ये कहूँगा कि ये प्रॉपर किसी क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाएं, उसे काउंसलिंग करें, राय लें, ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, इनकी एक धारणा भी बन रही है, इनके सवाल में लिखा हुआ है कि क्या ये नपुंसकता के लक्षण तो नहीं है? देखिए, आदमी अंततः तो मतलब जो है वो जब इरेक्शन नहीं होता है या उसकी इच्छाएं कम हो जाती हैं, बहुत सारे अन्य उसके मतलब जो है वो साइन एंड सिम्टम्स भी हैं, लेकिन ये जो साइन एंड सिम्टम है ये सबसे बड़ा है। तो दैट्स वाई मतलब जो है वो इट इज ए पार्ट ऑफ द इम्पोर्टेंसी। जी जी, ओके डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। राइट, और ब्रेक पे जाने से पहले फिर बता दूं कि आप अभी अपना फोन उठाइए, कोई भी सवाल है, कोई भी आपके मन में भ्रांति है, हमें जरूर भेजिए, हम उसको अपने एक्सपर्ट डॉक्टर एस के जैन साहब के साथ शेयर करेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बहुत जल्द आएंगे। देखते रहिए सेक्स एजुकेशन एंड योर करियर। इस कार्यक्रम में अपना सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए हमारा फोन नंबर है 09-366-04444। इसी नंबर पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है drskjainsolutions@gmail.com। यदि आप डॉक्टर साहब से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की लखनऊ की क्लिनिक का नंबर है 05224004444, या दिल्ली के क्लिनिक का नंबर 01169413553 पर संपर्क कर सकते हैं। आज की इस दुनिया में जब जिंदगी बिखर रही है, बेपनाह तमन्नाएं हर दिशा में भटक रही हैं, आरजुएं बेकाबू हो रही हैं, तब कहां हैं हम? कहां हैं हमारे सपने? कहां है हमारी सेहत? जनाब, इसी तसव्वुर को सामने रखकर हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी कामयाब शख्सियत से जिन्होंने सेक्स और जिंदगी, चाहत और सेहत को नई दिशा दी है। जी हां, हिंदुस्तान के मशहूर साइको सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर SK जैन। दुर्भाग्य की बात है कि हम तब तक अवेयर ही नहीं होते हैं जब तक कि हम मच की पूरी गिरफ्त में नहीं आ जाते। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, भ्रांति तो मैं समझता हूं यही है। डॉक्टर SK जैन, जिन्होंने बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड विधानसभा मार्ग लखनऊ को दिया एक नया आयाम, दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र में बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड की ब्रांच के रूप में, जिससे न केवल दिल्ली NCR
बल्कि पूरे भारतवर्ष और विदेशों से आए हुए मरीजों को अपनी यौन समस्याओं के लिए कामयाब इलाज पाने में न दूरी लगे न देरी। आज हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष से मरीज आते हैं और हम उन्हें वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। साथ ही अनगिनत मरीज पूरी तरह से सेटिस्फाइड होकर जाते हैं। डॉक्टर नितिन रोगियों की मैरिज काउंसलिंग पर पूरा ध्यान देते हैं। डॉक्टर जैन का सपना है सेक्स संबंधी समस्याओं के लिए बेहतर इलाज का सही प्रबंध और मरीजों का धोखेबाजों और नीम हकीमों से बचाव। बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड करोल बाग दिल्ली इसी सपने का एक हकीकत रूप है। सेक्स संबंधी किसी भी समस्या के विश्वसनीय एवं गोपनीय उपचार की सुविधा स्वयं डॉक्टर एसके जैन की देखरेख में यहां उपलब्ध है। सेहत सेक्स और सुखी जीवन की आस डॉक्टर एसके जैन का विश्वास। अगर आपकी सेक्सुअल जिंदगी ठहर जाए तो डॉक्टर एसके जैन की दिल्ली क्लिनिक पर आप दस्तक दीजिए। दरवाजा खुलेगा और आप पाएंगे खुशियों का गुलदस्ता लिए खड़ी है डॉक्टर एसके जैन की कुशल और क्वालिफाइड टीम। संपर्क करें बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, झंडे वालान मेट्रो स्टेशन के पास, आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली। आप फोन कर सकते हैं इन नंबर्स पर 011-6941-3553, 09-3510-9999। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं drskjensolutions@gmail.com। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सेक्स एजुकेशन एंड योर करियर। दोस्तों, सेक्स और गलतफहमियों का आपस में चोली दामन का साथ है। जब तक गलतफहमियां रहेंगी, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए और उससे पहले उसकी गलतफहमियों को दूर किया जाए। और उसके लिए हमारे स्टूडियो में है वर्ल्ड फेम डॉक्टर एस के जैन, जो कि एक साइको सेक्सुअलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और डॉक्टर साहब, एक लेटर आया है, उससे पहले मैं कह दूं कि आपका माशाल्लाह आजकल आज इतना फेम है, आप उस स्तर पे पहुंच गए हैं कि जहां लोग आपकी हो सकता है नकल भी करते हों। तो ये एक चिट्ठी है, ये लिखते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 27 साल है, मैंने आपके बारे में बहुत सुन रखा था और मुझे शीघ्र पतन की शिकायत है और उसका इलाज कराने के लिए मैं आपके लखनऊ के क्लिनिक में गया, परंतु वहाँ आपके नाम से मिलते जुलते किसी डॉक्टर के यहाँ पहुँच गया जिन्होंने अपने आप को डॉक्टर एस के जैन बताया। लेकिन बाद में जब मैंने आपका टीवी पर प्रोग्राम देखा तो मुझे लगा कि मैं किसी और से मिला हूँ। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कैसे मिल सकता हूँ? देखिए, आप की उम्र 27 साल है और अपना आप शीघ्र पतन का इलाज करने के लिए हमारे लखनऊ वाले क्लिनिक पे गए थे। और ऐसी आप ही की कंप्लेन नहीं है, बहुत सारे मरीजों की कंप्लेन मेरे पास में आती है कि डॉक्टर, मैं लखनऊ में गया, कुछ लोग दिल्ली जाते हैं। तो यह है कि ख़ासतौर से लखनऊ के अंदर ये प्रॉब्लम ज़रूर है कि वो एक बात कही जाती है कि जब किसी की दवाइयाँ, किसी की चिकित्सा करने का ढंग ज़्यादा नेम एंड फेम पा जाता है तो उसके नाम के कई डुप्लीकेट्स क्रिएट हो जाते हैं। वो मेरा नाम है डॉक्टर एस के जैन और एस अल्फाबेट की जगह कुछ भी अपना एक्स वाई जेड लगा के वो बैठ जाते हैं एंड दे से लाइक दैट कि मैं ही डॉक्टर एस के जैन हूँ, ये डॉक्टर एस के जैन क्लिनिक है। फिर बाद में जब वो इंटरव्यू देखता है तो उसको जाहिर होता है कि शायद मैं सही क्लिनिक पे नहीं गया था, किसी डुप्लीकेट क्लिनिक पे पहुंच गया। तो यदि आपको ऐसा अनुभव हुआ है तो मेरी पूरी हमदर्दी है और जहाँ तक आपने मुझसे मिलने की ख्वाहिश जो जताई है बड़ी अच्छी बात है, आप आइए, मैं श्योर मिलने की कोशिश करूँगा। लेकिन अब चूंकि बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर होने के नाते मेरा काफ़ी समय जो आज बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड की दवाइयों की वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है, विश्व स्तरीय गुणवत्ता है, उसको कंट्रोल करने के लिए मेरा अधिकांश समय, ज़्यादातर समय कारखाने में व्यतीत होता है, क्योंकि दवाइयों की क्वालिटी को मेंटेन करना सबसे प्रमुख कार्य है। उसी से किसी भी डॉक्टर को नेम एंड फेम मिलता है, उसकी कामयाबी का पैमाना बनता है वो।
तो लिहाजा मेरा मतलब जो है वो तकरीबन दिन भर का 90% समय इसमें जाता है, बाद बाकी बचे हुए समय में मैं आगे की रिसर्चेज कैसे इसकी गुणवत्ता को, कैसे इसकी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी को और इंक्रीज किया जा सकता है, मैं इसके ऊपर देता हूँ। तो और चूंकि एब्सेंस में फिर आपकी टीम है जो जी इसको देखती है, मेरी अपनी काफी कुशल क्वालिफाइड टीम है जो मरीजों को प्री एंड पोस्ट मैरिज काउंसलिंग देती है और पूरी तरीके से उनको एजुकेट करती है, पूरी उनको ट्रीटमेंट देने की अच्छे से अच्छा पूरी कोशिश करती है। क्योंकि अगर आप इंडिया टुडे में पढ़ें या कहीं भी देखें, खास तौर से बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड के बारे में ये बात आज जग जाहिर है कि देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता है, जो भी कोर्सेज हैं, जो उनके रेट्स हैं, तो जो आपको मतलब जो है वो इंडिया टुडे के इंटरव्यू या अन्य मैगजीन्स के इंटरव्यू मिलेंगे वही चीज क्लिनिक पे बताई जाती है। लिहाजा लखनऊ वाली क्लिनिक पे मेरे बड़े सुपुत्र डॉक्टर श्रेयान जैन जो MBBS MD डॉक्टर हैं वो संभालते हैं, उसके हेड हैं। इसी के साथ डॉक्टर RK सिंह, डॉक्टर रघुनाथ जी, डॉक्टर मनोज भी रहते हैं और दिल्ली वाली क्लिनिक के हेड डॉक्टर सुरेंद्र हैं और डॉक्टर सुरेंद्र के साथ में वहां पे डॉक्टर नितिन पूरी तरीके से वहां के मरीजों को काउंसलिंग देते हैं, उनको प्रॉपर वे में अकॉर्डिंग टू माई डायरेक्शन वो प्रॉपर वर्क करते हैं और मरीजों को सेटिस्फाई करने की, उनको एक वर्ल्ड क्लास सर्विस देने की पूरी कोशिश करते हैं। जी हाँ, माशाल्लाह बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आपका क्लिनिक है डॉक्टर साहब। थैंक यू। एक लेटर लेते हैं, रतलाम से आया है जी, और इसमें लिखा है कि डॉक्टर साहब मेरी उम्र 38 साल है, आपके सारे एपिसोड देखता हूँ और एक भी एपिसोड नहीं छोड़ता मुझे, क्योंकि समस्या आपकी बातों से ही ठीक हो जाती है आधी तो। आपके समझाने के तरीके को मैं सत्य सत्य प्रणाम करता हूँ जी, क्योंकि आपकी बातों से प्रेरणा लेकर मैं अपने को स्वस्थ महसूस करने लगा हूँ। सुभानअल्लाह। फिर भी कुछ कमियां हैं, उसके लिए आपसे मिलना चाहता हूँ, कैसे मिल सकता हूँ? सबसे पहले तो आपको हमारा शो अच्छा लगता है जी। इस बात के लिए मैं आपका और अपने ऑडियंस का बेहद शुक्रगुजार हूँ। और जहाँ तक मेरे समझाने के तरीके के बारे में है, तो मैं तो अपने क्लिनिक पे भी जब कभी मरीज देखा करता था तब भी हर मरीज से यही कहा करता था कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, और वरना मुर्दे दिल के खाक जिया करते हैं है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको अच्छा लगता है और मैं आपकी चाहत की कसौटी पर और भी खरा उतरने का प्रयास करूंगा जो आपको मुझसे उम्मीद है। और जहां तक मिलने की बात है, आप कभी भी लखनऊ या दिल्ली वाली क्लिनिक पे आ जाइए, वहां पे जो भी प्रॉपर डॉक्टर्स हैं, जो वहां के हेड हैं, वो आपसे मुलाकात करेंगे। और यदि कभी बाई द वे मैं ऑफेंडली लखनऊ या दिल्ली वाली क्लिनिक को विजिट करता रहता हूँ, यदि मैं वहां पे हूँ तो मैं आपसे अवश्य मिलूंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस लेटर के लिए और हमारा शो को पसंद करने के लिए, जैसा डॉक्टर साहब ने अपने क्लिनिक के बारे में बताया। और अधिक जानकारी डॉक्टर साहब की चिकित्सा पद्धति के बारे में और डॉक्टर साहब का क्या सिस्टम है उसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं। आज की इस दुनिया में जब जिंदगी बिखर रही है, बेपनाह तमन्नाएं हर दिशा में भटक रही है, आरजुएं बेकाबू हो रही है, तब कहां हैं हम, कहां है हमारे सपने, कहां है हमारी सेहत? ये तलाश सिर्फ मेरी नहीं, आपकी, हम सबकी है। इस तलाश में मंजिलें कम, भटकाव ज्यादा हैं। तो कैसे मिले मंजिलों का पता, कैसे संवारें इस जिंदगी को, कैसे जवानी दें नए रूप में यौवन को? जनाब, इसी तसव्वुर को सामने रखकर हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी कामयाब शख्सियत से जिन्होंने सेक्स और जिंदगी, चाहत और सेहत को नई दिशा दी है। डॉक्टर SK जैन, हिंदुस्तान के मशहूर साइको सेक्सोलॉजिस्ट। डॉक्टर SK जैन एक खानदानी डॉक्टर ही नहीं, आयुर्वेदिक एवं एलोपैथी दोनों विधाओं के एक कामयाब और क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। आपने सन 1974 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आयुर्वेदा विद मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी की उपाधि प्राप्त की। इसी के साथ आपने अपने टैलेंट और लगन के बलबूते पर लंदन से MRSH जैसी प्रतिष्ठित संस्था की सदस्यता प्राप्त की।
तमाश बीनों से आपको बाखबर करने, नीम हकीम खतराए जान से आपका दामन बचाने और आपको सेहतमंद बनाए रखने के लिए सही सेक्स का खूबसूरत और आसान रास्ता दिखाने डॉक्टर एस के जैन अपने बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड के जरिए आप तक पहुंच रहे हैं। इस क्लिनिक के द्वारा डॉक्टर जैन एक ही छत के नीचे प्राचीन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा आम लोगों को उनकी सेक्स समस्याओं से मुक्ति देते हैं। डॉक्टर जैन के पीछे मेहनतों का एक लंबा और खूबसूरत सिलसिला है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं उनके होनहार बेटे डॉक्टर श्रेयांश जैन, डॉक्टर सारांश जैन और उनकी समर्पित टीम। सेक्स से जुड़ी हर छोटी बड़ी समस्याओं का कॉन्फिडेंशियल इलाज करने में, जिंदगी को सेहतमंद बनाने में डॉक्टर एस के जैन को महारत हासिल है। सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे लिए यह है कि जो भी पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे, उनकी बातें हमारे और पेशेंट के बीच में ही रहनी चाहिए, तो उसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। इवन जो उनके रिकॉर्ड्स हमारे पास रहते हैं वो भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं, और जो पेशेंट्स को जो कार्ड हम रजिस्ट्रेशन कार्ड जो इशू करते हैं उसमें भी कुछ नाम नहीं रहता, उसमें केवल रजिस्ट्रेशन कोड रहता है, तो उनकी आइडेंटिटी केवल रजिस्ट्रेशन कोड के द्वारा ही निर्धारित होती है, ताकि बात जो है हमारे और उनके बीच में ही गुप्त रहे। बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जिनकी बुनियाद में है एक खानदानी तजर्बा, मेहनत, ईमानदारी, लगन, विश्वास, सफलता और कुशलता। तो आइए रूबरू होते हैं डॉक्टर एस के जैन से। सबसे ज्यादा गलतफहमियां आज सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ी हुई हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि लोग प्रॉब्लम होते हुए भी उसे नहीं मानते, या यूं कह लीजिए कि अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या शर्म संकोच बस अपनी बात कह नहीं पाते, या शायद उसे अपनी ईगो से जोड़ने लगते हैं। आयुर्वेदिक दवाओं के साथ साथ सामान्य व्यायाम से लोगों को चुस्ती फुर्ती देते हैं बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड। बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड बर्लिंगटन ग्रुप ऑफ मेडिकल रिसर्चेस की एक यूनिट है, जिसमें हमारे पास है एक बेहतरीन क्वालिफाइड कुशल टीम, जो कि अपने मरीजों को प्री एंड पोस्ट एजुकेट भी करती है, और हम लोग दवाइयों को केवल मैन्युफैक्चर ही नहीं करते बल्कि उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उनको ग्रो करते हैं, उगाते हैं, उसके बाद अपनी लेबोरेटरी में उनकी पूरी जांच पड़ताल करके उन दवाइयों का निर्माण करते हैं और उसे अपने मरीजों की सेवा के लिए उपलब्ध कराते हैं। समाज में सेक्स संबंधित तकलीफों से लोगों को मुक्त कर उन्हें आनंददायक जीवन लौटाने के लिए डॉक्टर एस के जैन को दुनिया के कई प्रतिष्ठित और शीर्ष पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनके अलावा भी आपको देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत किया गया है। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि आप डॉक्टर एस के जैन के अनुभवों का लाभ उठाएं और सक्सेसफुली और सेक्सफुली जिंदगी जिए, समझदारी से, होशियारी से। अगर आप डॉक्टर एस के जैन से संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा पता है बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, झंडे वालान मेट्रो स्टेशन के पास, आर्य समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली। आप फोन कर सकते हैं इस नंबर पर 011-6941-3553। हमारा दूसरा पता है बर्लिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, बर्लिंगटन क्रॉसिंग, 28/A, विधानसभा मार्ग, लखनऊ। आप फोन कर सकते हैं इस नंबर पर 0522-400-4444। हमारे मोबाइल नंबर हैं 09935-109999 और 09935-562999। हमारा ईमेल आईडी है drskjainsolutions@gmail.com।
इस कार्यक्रम में अपना सवाल रिकॉर्ड कराने के लिए हमारा फोन नंबर है 09-366-04444। इसी नंबर पर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है drskjainsolutions@gmail.com। यदि आप डॉक्टर साहब से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब की लखनऊ की क्लिनिक का नंबर है 05224004444 या दिल्ली के क्लिनिक का नंबर 01169413553 पर संपर्क कर सकते हैं। तो अभी आप रूबरू हुए डॉक्टर साहब के क्लिनिक के एक्सपीरियंस से, क्लिनिक की पद्धति से, चिकित्सा पद्धति से, और अब समय आ गया है डॉक्टर साहब इस एपिसोड को यहाँ ख़त्म करने का। और उससे पहले तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मसरूफ शेड्यूल में से इतना समय निकाला, कीमती समय निकाला और हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों को गाइड किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लिए बस इतना ही, और अपनी और समस्याओं के साथ आप हमें हमारे साथ जुड़ते रहिए। एक ये प्लेटफॉर्म है आपके लिए, आपकी तमाम उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए, तमाम उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो भ्रांतियों से आकर समस्या का रूप ले लेती हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है केयर वर्ल्ड की जानिब से कि आप इसके साथ जुड़िए, अपनी समस्याओं को हम तक लाइए, हम उसको अपने एक्सपर्ट के सामने रखेंगे और आपको उसका निदान बताएंगे, उसके बारे में आपको गाइडेंस देंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल अगले एपिसोड में फिर यही मुलाकात होगी। तब तक आज्ञा दीजिए, शब बख़ैर, शुभ रात्रि, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।